इलाज न मिलने कारण इस गांव से ऐसे 8-10 मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ग्रामीण, एक ऐसे गांव से आए हुए व्यक्ति हैं जो आपको बताएंगे कि सतना जिले का विकास बोलता है। यह अमरपाटन क्षेत्र के हैं और अमरपाटन का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रामखिलावन पटेल कर रहे हैं। हम उनके क्षेत्र की बात कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार तिवारी हमारा नाम है जी, और मैं ग्राम पंचायत भदवा वहां का निवासी हूं, वहां का मैं वोटर हूं। क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में दो गांव ऐसे हैं किमलाहा टोला और टेणवा, जहां सड़क ही नहीं है, सड़क विहीन गांव है। कितने साल पुराने बसा हुआ ये गांव है? ये लगभग 100 वर्ष पूर्व है, क्योंकि एक पूरी जिन्हें जन्म लिया और मृत्यु तक का सफर तय कर चुके हैं और आज तक सड़क ही नहीं है। उन्होंने भी संघर्ष किया, गांव की छोटी छोटी मेड़ों से वो सामना करते हुए प्रधानमंत्री सड़क योजना में जाके जुड़ते हैं और फिर आगे के मार्ग में बढ़ते हैं। लेकिन वो चुनौती उनको जब बड़ी दुखदायी हो जाती है, जब उन्हें मेड़ के रास्ते से उस सड़क पर पहुंचना होता है और बरसात का मौसम होता है तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए चुनौती हो जाती है और वो अपने घर में ही अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, एक प्रकार से बंधक में बंध जाते हैं। मतलब बरसात के मौसम में 4 महीना आपको गांव से निकलना मुश्किल हो जाता है? बिल्कुल, पूर्णता सत्य। 4 माह तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप गांव से बाहर निकल पाएंगे। जब ऊपर वाला यानी प्रभु कृपा करेंगे, उस कृपा की दृष्टि से आप अगर बरसात कम हुई तो बेचारे किसी तरह से निकल पाएंगे। क्या इस बात की जानकारी आपने मंत्री रामखिलावन पटेल जी को नहीं दी है, आपके गांव वालों ने? हमारे क्षेत्रीय, हमारे बुजुर्ग बब्बा, चाचा चाची एवं युवा बच्चों से लेके जिन्होंने ठीक से मतलब शिक्षा के बारे में नहीं समझा, ठीक से उनका दिमाग विस्तृत नहीं हुआ, 5वीं 4वीं के बच्चे लोग ने जब कोई आता था चुनाव में प्रचार प्रसार के दौरान, तो वो भी कहते थे नेताजी नेताजी मेरे गांव में सड़क बनवा दो, मेरे गांव में सड़क बनवा दो, मुझे स्कूल जाने से दिक्कत हो रही है, मेरे नाना की तबीयत खराब हो गई, मेरे दादी मर गई। क्यों? सड़क न मिलने के कारण, सड़क न होने के कारण उन्हें इलाज नहीं मिला, इलाज न मिलने के कारण इस गांव से ऐसे 8-10 मृत्यु हो चुकी है। तो मतलब आपका कहना है कि हर नेता को यह जानकारी है? जी, क्षेत्रीय विधायक जो वर्तमान में मंत्री भी हैं श्री रामखिलावन पटेल जी, पूर्व विधायक एवं मंत्री श्री माननीय राजन सिंह जी एवं वर्तमान सांसद श्री गणेश जी, इन्हें भी इस जानकारी से हमारे क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग एवं सभी ने अपने अपने स्तर पर बात रखी है। और एक बार एक पहल और की गई थी जिसमें अमरपाटन SDM एवं तहसीलदार हमारे क्षेत्र में आए थे और सिर्फ खाना पूर्ति किए और उसके बाद सड़क की आशा अभिलाषा जहां का तहां है, चुनावी मुद्दा बनता है और लोग वोट के लिए आते हैं और वोट के बाद मंत्री हो या हमारे क्षेत्रीय विधायक हो या हमारे क्षेत्रीय सांसद हो, सभी लोग भूल जाते हैं, ठोस कदम नहीं उठाते हैं। शिवराज जी, आपकी सरकार के मंत्री, उनकी विधानसभा से यह आए हुए व्यक्ति अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, जिनके गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची और आप ढोंग करते हैं, आप ढोल पीटते हैं कि हमने विकास की वो गाथा लिख दी है। आप सुनिए इनसे, यह बता रहे हैं कि 8-10 लोगों की मृत्यु इलाज नहीं मिलने से हो गई है और सतना के हर जनप्रतिनिधि को इस बात की जानकारी है। आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? हम अपील यही करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं जिला का प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय जी से और आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी आवाज अगर वहां तक पहुंच जाए तो वो हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र की समस्या को जाने समझें। और हम लोग सरकार की सारी योजनाओं से वंचित हैं, चाहे आपकी 108 एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे आपकी पुलिस प्रशासन की 100 हो। क्यों? 8 महीने तक किसी भी प्रकार से कोई 4-व्हीलर गांव में प्रवेश नहीं कर पाता। हमारे गांव में बहुत लंबे समय बाद बिजली आई है, इसके पहले बिजली से भी वंचित था, अब सड़क से अभी तक वंचित है। शादियों वगैरह में दिक्कत नहीं होती कि लोग शादी करने में?
शादी में बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग शहर से शादी करते हैं गर्मी के मौसम में ही। कुछ लोग ऐसा नहीं कहते कि आपके यहाँ बेटी नहीं देंगे, आपके यहाँ तो रोड ही नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है ये, और इसकी समस्या होती है, लोगों के रिश्ते होने में दिक्कत है। वहाँ कुमारे लड़कों की संख्या बहुत अधिक है, लड़कियों को शिक्षा में दिक्कत जाती है, लड़कों को शिक्षा में दिक्कत जाती है। मैं कहता हूँ आप सर्वे करा लीजिए इन दो गांवों में कि कितने कम शिक्षित लड़के हैं, कितने कम शिक्षित लड़कियां हैं। क्यों? सड़क न होने की वजह से अगर प्रॉपर स्कूल मेंटेनेंस अटेंडेंस नहीं लगेगी, पढ़ेंगे नहीं तो फेल होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर किसी के पास ऐसी समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखें, और उचित लगा तो मैं आप लोगों को भी स्टूडियो में बुलाऊंगा और आपकी समस्या मैं इस चैनल के माध्यम से उठाकर सरकार तक पहुंचाऊंगा।